नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जोहार। आप देख रहे हैं जीएन भारत, जन जन तक। भरनो पुलिस द्वारा बाइक चोरी के आरोप में डोम्बा गांव निवासी अशोक राव, सिसई बांस टोली निवासी दीपेश साहू और रायडी नवागढ़ पत्रा टोली निवासी रवि मिंज उर्फ रविंदर को गिरफ्तार कर गुरुवार को जेल भेज दिया और इस गिरोह के दो अपराधी फरार बताए जा रहे हैं। गुरुवार को भरनो थाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर पुलिस इंस्पेक्टर विनोद कुमार और सहायक थाना प्रभारी सहरू उराव ने बताया कि 19 जनवरी को भरनो थाना के पुलिसकर्मी एक केस के अनुसंधान को लेकर डोम्बा गांव गए हुए थे। इस क्रम में एक लड़का पुलिस बल को देखकर बाइक स्टार्ट कर भागने लगा, जिसे पुलिस बल द्वारा दौड़ाकर पकड़ लिया गया और उससे पूछताछ के क्रम में उसने अपना नाम अशोक उराव बताया और अपने को डोम्बा पंचायत के मुखिया चंद्रदेव उराव का पुत्र बताया। पुलिस द्वारा उसका बाइक का कागजात मांगने पर कोई भी कागजात नहीं दिखा पाया, तब पुलिस द्वारा अशोक को पकड़कर थाना लाया गया और उसके बाइक की नंबर का जांच करने पर उसका अपाची बाइक का मॉडल ग्लैमर दिखा एवं इंजन और चेचिस का नंबर अपाची दिखा रहा था। पुलिस द्वारा अशोक से गहन पूछताछ करने पर अशोक द्वारा बताया गया, मेरा यह बाइक चोरी का है, इसे 2 वर्ष पहले सिसई निवासी दीपेश साहू से संपर्क कर बाइक दिलाने की बात कहा था। उसने मुझे रायडी निवासी रवि मिंज और केदली निवासी अर्जुन सिंह से संपर्क कराकर उक्त बाइक को हमें 35,000 रुपये में बेचा था। बाइक चोरी के आरोप में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर गुरुवार को जेल भेज दिया गया और 2 आरोपी अर्जुन सिंह और पवन उराव फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस द्वारा आरोपियों के पास से 2 बाइक बरामद किया गया। छापेमारी दल में SDPO मनीष चंद्र लाल, पुलिस इंस्पेक्टर विनोद कुमार, प्रभारी थानेदार सहरू राव, SI सत्यम गुप्ता, राजेश बिया, सिसई थाना के इंद्रजीत कुमार, मुकेश गोप, मैनुद्दीन खान शामिल थे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।